नाउ वी विल सी disability एंड कम्युनिकेशन सम चिल्ड्रन हैव पर्टिकुलर डिफिकल्टीज विथ कम्युनिकेशन इधर फॉर फिजिकल reasons और बिकॉज ऑफ लर्निंग disabilities दैट delay लैंग्वेज development. हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जब हो रही होगी तो हमें इक्वली लोगों को ट्रीट करना है छोटे बच्चों को लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज डिवेलपमेंट में कुछ डिलेज की कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि बच्चे की अगर डेवलपमेंट कमज़ोर है तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कमज़ोर होगी क्योंकि फ़िज़िकल और जो ब्रेन कोऑर्डिनेशन हैं वो अभी डेवलप नहीं हुए तो लैंग्वेज में उसको मसला हो सकता है ऐसी सूरत में जो उनके एजुकेटर्स हैं और जो वालदे हैं उनको उनके साथ साथ चलना है उनको तेज़ी से करने पे मजबूर नहीं करना उनका मजाक नहीं उड़ाना है और उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना बल्कि जिस तरह से और जिस तरह से वो लैंग्वेज डेवलप करें बार बार सुन के करें बार बार उनके सामने बात की जाए या वो खुद दोहराएं उतनी दफ़ा ही उनको मौका दिया जाना चाहिए एंड समटाइम्स वी हैव टू यूज़ साइन लैंग्वेज बहुत से बच्चे हैं जो डेफ हैं या वो डम हैं वो बोल नहीं सकते तो साइन लैंग्वेज यूज़ करना भी एजुकेटर्स को आना चाहिए उनकी तरबियत में शामिल होना चाहिए जो स्पेशल बच्चों को ट्रीट करेंगे या जो इंक्लूजन में के सेटअप में काम कर रहे होंगे तो ऐसे स्कूल जो मेन स्ट्रीम के हैं वहाँ भी हमारे इस तरह के एजुकेटर्स होने चाहिए जो ऐसे बच्चों को ट्रीट कर सकें जहाँ पे साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है सो टॉक डायरेक्टली विद डिसेबल चिल्ड्रन एंड एनशोर दैट द अदर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स फॉलो योर पॉजिटिव मॉडल तो हमने जब किसी भी स्पेशल बच्चे से बात करनी है तो हमें कलेक्टिवली बात नहीं करनी कि कलेक्टिव हम उनको इंस्ट्रक्शन दें अनटिल अनलेस के वो काबिल हो जाए तब तक हमें उसके साथ इंडिविजुअली कॉरस्पॉन्डेंस uh, करनी है उसके पास आके उसके लेवल के मुताबिक अपनी साउंड को लाउडर रखते हुए अपने लिप्स को ख़ास तौर पे इस तरह से हरकत देनी है कि बच्चा उसकी उसको देख के भी समझ सके सुन भी सके और उसको लगे कि आप उससे बात कर रहे हैं और ये इस तरह का पॉजिटिव मॉडल होना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इसको इमिटेट कर सकें उसके पीयर्स भी इमिटेट कर सकें यानी आप इतने अच्छे तरीके से उससे बात करेंगे कि दूसरे सीखेंगे कि इससे तो इस तरह से बात करनी थी देन डील फर्मली जब आप किसी से बात कर रहे होंगे किसी डेफिशिएंट uh, बच्चे से तो आप उसको इस तरह से बात करेंगे कि जो आप कहना चाहें उसको अच्छे से उस तक पहुंचाएं, अच्छे से कम्युनिकेट करें बात रफ़ नहीं होनी चाहिए इस तरह की टोन में नहीं होनी चाहिए जो उसको परेशान करे, लेकिन आप अपना माफी ज़मीर उस तक ज़रूर पहुंचाएंगे देन टॉक एट नॉर्मल वॉल्यूम जब तक के बच्चे को एक्स्ट्रॉडनरी वॉल्यूम की ज़रूरत ना हो आप उसके साथ नॉर्मल वॉल्यूम से ही बात करेंगे ताकि दूसरों को और उसको ये ना लगे कि उसके साथ खसूसी ट्रीटमेंट की जा रही है कीप स्लोअर पेस जैसे मैं अर्ज़ कर रही हूँ जो बच्चे डेवलपमेंटली स्लो हैं और उनकी लैंग्वेज एक्सेप्टेंस स्लो है तो उनके साथ बात भी आहिस्ता की जाएगी वॉइस को नॉर्मल रखा जाएगा शेयर प्रैक्टिकल हिंट्स विद चिल्ड्रन अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो अल्फाज से ज़्यादा इशारे समझते हैं यानी अगर फ़र्ज़ करें आप क्लास के अंदर कलेक्टिवली कोई बात करना चाह रहे हैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको तो ऐसी सूरत में आप उस इंस्ट्रक्शन को बाय वर्ड भी बोलेंगे और आप उसका कोई क्लू या हिंट भी बना लेंगे इशारा भी ऐसा बना लेंगे जिससे बच्चे उसको समझ पाए ठीक है जैसे क्लास शुरू होने वाली है या क्लास खामोश हो जाए अब कोई बात ज़रूरी होने वाली है तो आप बच्चों को Uh, ऐसे हिंट प्रैक्टिकल सिखाएंगे जो वो भी कर सकें जवाब में और आप भी कर सके देन अलाउ लिप मूवमेंट टू बी सेंस्ड वो मैंने आपको हेलन कैलर का वाक्य सुनाया था तो उन्होंने कैसे सीखा था वो डिबेटर्स के ना होन्टों पे उंगली रख के देखती थी वो बोल क्या रहे हैं बात क्या कर रहे हैं तो ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ बच्चे जो आपको देख नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं तो फिर वो कैसे आपकी बात समझेंगे समटाइम्स आप उनकी हथेली पे लिखते हैं और कभी अपने होंटों को सेंस करने देते हैं एक तो होता है ना वो टच करें लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो आपको देखें भी आपके जो होंट है उनकी मूवमेंट को वो देखेंगे तो वो अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं लिसन टू हाउ चिल्ड्रन फील और फिर जो कुछ वो कह रहे हैं आपके जवाब में उसको गौर से सुने उसको अप्रीशिएट करें उसको एक्सेप्ट करें उसका जवाब दें और उनको इनक्रेज करें मतलब अगर वो आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाए हैं या आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं या किसी भी तरह से आपको रेस्पॅ कर रहे हैं तो आप उनको पॉजिटिवली अप्रिशिएट करें और उनको बताएं कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है बहुत अच्छा बताया है आप और भी बेहतर बता सकते हैं और दूसरों के सामने अप्रिशिएट करें ताकि उनको लगे कि उनकी इम्पॉर्टेंस है तो जो हम बात कर रहे थे कि जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन है सम टाइम्स इसके अंदर कुछ डिलेज भी हो सकते हैं कुछ डेफिशेंसीज भी हो सकते हैं तो जहाँ जहाँ आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे ये कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करने के लिए आप और ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करेंगे हती कि अगर आपको साइन uh, लैंग्वेज भी यूज़ करनी पड़ी तो वो भी आप करेंगे बच्चे के करीब होंगे जिस तरह से भी आपको उसको अपनी बात पहुँचानी पड़े आप पहुँचाएंगे और ऐसे अच्छे अंदाज में कि बाकी लोग भी इसकी तकलीद करें